दिव्य हिमाचल टीवी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज दोपहर हिमाचल। दिस बुलेटिन इज ब्रॉट यू बाय कोटिल्या कोचिंग क्लासेस हमीरपुर। लोधवा में दर्दनाक हादसा, कराहते घायल का वीडियो बनाते रहे लोग, एक की गई जान। पुलिस टीम को देखकर डर गया राहगीर, तलाशी ली तो उड़े होश। बड़ा अफसर बनने का सपना होगा साकार, मंडी से अनूठी पहल, छात्रों को मिलेंगे टिप्स। जांच हुई तो पता चला कि 60% लोगों को एनीमिया, करसोग में चली मुहिम। हिमाचल और उत्तराखंड को जोड़ने वाले सेतु के नीचे खनन, माफिया के आगे सबके हाथ खड़े। अरब समाचार विस्तार से। पुलिस थाना डमटाल के अंतर्गत लोधवा में देर रात दो स्कूटी सवार युवकों का एक्सीडेंट हो गया। दुर्घटना इतनी दर्दनाक थी कि युवक बुरी तरह घायल हो गए। दोनों युवक अनवाल से पठानकोट की तरफ जा रहे थे कि लोधवा के पास उनकी स्कूटी रोड किनारे खड़े ट्रक के पीछे जा टकराई, जिस कारण दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस थाना डमटाल प्रभारी हरीश गुलेरिया ने बताया कि एक युवक की मौत हो गई है, मामले की जांच जारी है। दूसरी ओर बताया जा रहा है कि हादसे के बाद एक युवक अचेत अवस्था में पड़ा रहा और दूसरा दर्द से कराह रहा था, लेकिन वहां पर खड़े लोग उसकी सहायता करने के बजाय मोबाइल पर वीडियो बनाने में व्यस्त रहे। कौटिल्य कोचिंग क्लासेस हमीरपुर, जहां पर नीट, जेईई और एनडीए जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बच्चों को तैयार किया जाता है। अकेडमी की निदेशिका शिवानी त्रेहन शर्मा के अथक प्रयासों का परिणाम ही है कि मेडिकल कॉलेजेस, इंजीनियरिंग कॉलेजेस और डिफेंस फोर्सेज में यहां से निकले छात्र छात्राएं न केवल अपना लक्ष्य पाने में समर्थ हुए हैं, बल्कि अपने हाथों से लाखों लोगों को सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 0192722214569418787444। जिला चंबा में नशे का कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी कड़ी में स्टेट नारकोटिक्स क्राइम कंट्रोल ब्यूरो कांगड़ा की टीम ने वीरवार रात को 418 ग्राम चरस सहित एक व्यक्ति को दबोचने में सफलता हासिल की है। आरोपी की पहचान पवन कुमार, गांव तलाहेट, जिला चंबा के रूप में की गई है। आरोपी व्यक्ति के खिलाफ पुलिस थाना खैरी में मामला दर्ज कर उसे हवालात में बंद कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार नारकोटिक्स की टीम बांगल में गदेटी चौक के समीप गश्त पर थी। इसी दौरान पैदल आ रहा पवन कुमार टीम को देखकर घबरा गया। पुलिस ने तलाशी ली तो उसके कैरी बैग से 418 ग्राम चरस बरामद हुई। उधर स्टेट नारकोटिक्स क्राइम कंट्रोल ब्यूरो कांगड़ा के डीएसपी सुरेंद्र शर्मा ने तस्कर के पकड़े जाने की पुष्टि की है। स्टेट नारकोटिक्स टीम धर्मशाला ने डिस्ट्रिक्ट चंबा के बांगल गदेटी चौक पर पवन कुमार से 418 ग्राम चरस बरामद करी है, जिस सिलसिले में थाना खैरी में केस दर्ज किया गया है। ये टीम एएसआई करतार सिंह द्वारा लेड की गई थी। स्टेट नारकोटिक्स टीम चंबा में ड्रग्स के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई कर रही है। आप यदि डीसी एसपी बनने का सपना देखते हैं और इसके लिए जी तोड़ मेहनत करने को तत्पर हैं, तो आपके लिए एक खुशखबरी है। मंडी जिला प्रशासन ने युवाओं और विद्यार्थियों को संघ लोक सेवा आयोग सिविल सेवा परीक्षा को लेकर मार्गदर्शन और काउंसलिंग के लिए समर्थन कार्यक्रम आरंभ किया है। यह यूपीएससी छात्रों के लिए निःशुल्क कार्यक्रम होगा। इस कड़ी में शिक्षा उत्थान समिति मंडी के सहयोग से वल्लभ राजकीय महाविद्यालय मंडी में विद्यार्थियों के लिए पहला मार्गदर्शन और काउंसलिंग सत्र आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए उपायुक्त मंडी ऋग्वेद ठाकुर ने कहा कि छात्रों को हर पहलू से अवगत करवाया जाएगा। जिला में काम कर रहे आईएएस, आईपीएस और अन्य अधिकारी छात्रों को टिप्स देंगे। जतिन जी, एडीसी साहब हैं, इस फ्रॉम द 2016 बैच, तो इन्होंने 2015 का एग्जाम दिया है, तो थोड़ा सा गैप होगा। एसपी मंडी है, शी इज फ्रॉम द 2012 बैच, तो उन्होंने उसके बाद एग्जाम दिया है। रिसेंट जो हमारे पास प्रोफेशनल है, ऑफिसर ट्रेनी है, वो 2019 बैच के हैं, तो उन्होंने 18 का एग्जाम दिया, तो इज मोर अपडेटेड। और उनका भी सेशन कराएंगे जिसमें आप और आपके जितने साथी हैं, वी ट्राई टू गेट एवरीबॉडी इन वन प्लेस, क्योंकि ही इज द बेस्ट पर्सन जिन्होंने रिसेंटली इसकी तैयारी की है, क्या चैलेंजेस है, क्या प्रिपरेशन का स्ट्रेटेजी रही है, वो आपके साथ शेयर करेंगे। अपने ऑफिस नहीं करना क्वेश्चन, क्योंकि हर व्यक्ति के मन में अलग अलग डाउट्स होंगे और अलग अलग क्लैरिफिकेशन आप चाह रहे हो। जहाँ हमारी कॉन्फिडेंशन बहुत ज़्यादा सोच के नहीं आया था, क्योंकि यू शुड बी मोर पर्पजफुल कि आपको क्या रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से हम बोलें। अलग अलग फोरम्स पे अलग अलग चीज़ बतानी होती है कि कितना डिटेल में जाना है, किस चीज़ की है, डिपेंड्स कि आप लोग की तैयारी कितनी है। तो मैं बहुत ज़्यादा आज नहीं कहूँगा, जस्ट
थोड़ी सी बात आपके रखूंगा, उसके बाद में भी हम इंटरेक्शन कुछ आपके सवाल होंगे तो इफ आई कैन आंसर एंड ट्राई ट्राई माय बेस्ट। करसोग विधानसभा में आयुर्वेदिक विभाग द्वारा एनीमिया मुक्त अभियान जोरदार तरीके से चलाया गया है। इस अभियान में उपमंडल करसोग के दूरदराज क्षेत्र के ग्राम पंचायत नांच तथा तुंदल में एक दिवसीय एनीमिया जांच का निःशुल्क शिविर आयोजित किया गया, जिसमें आयुर्वेदिक विभाग के डॉक्टर रविंदर कौंडल, फार्मासिस्ट संतोष कुमारी सहित लता कुमारी, इंदिरा, दिवेशा, याचना आदि ने भाग लिया। डॉक्टर रविंदर कौंडल ने बताया कि लगभग 240 लोगों की जांच हुई, जिसमें से करीब 60% लोगों के एनीमिया ग्रसित होने की पुष्टि हुई है, जिन्हें निशुल्क दवाइयां दी गई हैं। नांज में जो है एक एनीमिया फ्री कैंपेन के तहत एक कैंप किया गया, जिसमें हमने नांज, तुंदल और टिटेहा, ये तीन जगहों पे कैंप का आयोजन किया, जिसमें जो है हमारे नांज में लगभग 100 से अधिक रोगी देखे गए हैं, जिसमें उन रोगियों की हमने मुफ्त में जांच की और जांच के उपरांत उन्हें जो है दवाइयाँ बांटी है। नांज में विशेषकर जो है हमने वो गुज्जर कम्युनिटी के लिए एक उनके घर द्वार पे सुविधा दी, जिसमें जो है लगभग 35 गुज्जर कम्युनिटी की महिलाएं और बच्चों का टेस्ट किए गया और उसमें उन्हें मुफ्त में दवाइयाँ बांटी गई। अब इसमें अगर इस कड़ी में देखा जाए तो अभी तक जो है हमने 170 के करीब जो है रोगियों की मुफ्त में जाँच की और उसके बाद उन्हें दवाइयाँ बांटी गई। अभी हमारा तुंदल में एक कैंप है, जिसमें हमारे कम से कम जो है 200 से अधिक जो रोगी आज के दिन में एनीमिया के होंगे। धन्यवाद। हिमाचल और उत्तराखंड को जोड़ने वाले जोंग पुल के पास स्टोन्स नदी में अवैध खनन किया जा रहा है। यह खनन रात के अंधेरे में चल रहा है। इसे रोकने में वन व खनन विभाग और प्रशासन पूरी तरह से नाकाम है। बताते हैं कि यहां से ट्रैक्टर और टिप्पर से अवैध खनन किया जा रहा है, जिससे सरकार को लाखों रुपए की रॉयल्टी का चूना लग रहा है। वहीं क्षेत्रीय ग्रामीणों का धूल से जीना दूभर हो गया है। माफिया का नेटवर्क इतना जोरदार है कि जैसे ही उसे छापे की सूचना मिलती है तो उसके गुर्गे उत्तराखंड में भाग जाते हैं। वन परिक्षेत्र अधिकारी कफोटा महेंद्र सिंह ने कहा कि उनके पास एक तो स्टाफ कम है तथा कफोटा से जोंग पुल की दूरी 25 किलोमीटर के करीब है। जब तक उनकी टीम मौके पर पहुंचती है, खनन माफिया उत्तराखंड में भागने में सफल हो जाता है। रात दिन इनका काम अवैध चल रहा है और प्रशासन और सरकार की तरफ से कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। हम बार बार यहाँ से वीडियो वायरल कर रहे हैं कि सरकार इस बात को कम से कम आके देखें। हमारा रेत बजरी वालों से कोई ऐसा वो नहीं है, लेकिन ये अवैध तरीके से काम कर रहे हैं और ना इनके पास कोई दस्तावेज है। अप्लाइड बोर चले रहते हैं 10 साल से, इनका कोई भी दस्तावेज नहीं है। डिपार्टमेंट आता है और इनको पकड़ के छोड़ देता है। इन ये जो जोंगपुर के साथ नदी में जो खनन होता है, इसमें हमने 11 नौ को एक चलान किया 4500 रुपए का और 19 नौ को हमने 3 चलान किए 21,000 रुपए के, और इसके अलावा हमने गिरी नदी में भी चलान किए हैं 2500 का एक किया है, 20 नौ को, 2-10 को किया है 1750 रुपए का एक, 2-10 को फिर किया है 3500 रुपए का, और 4-10 को फिर 3500 रुपए का, और 6-10 को फिर है 5250 रुपए का, और समय समय पर हम इनको छापे मार के इनके चलान कर रहे हैं जो इनसे पैसा वसूल करके गवर्नमेंट के खजाने में जमा है।